नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार आपने सुना होगा कि जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने हैं, उनके तेवर तल्ख हैं। बनते ही बीजेपी पर हमला कर दिया और कहा कि गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ाइएगा तो अकेले लड़ लेंगे या किसी के साथ लड़ लेंगे। लगातार उनकी ये बातें फैल रही है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या जेडीयू के पेज के माध्यम से हो, लगातार ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी को नंबर वन बनाना मेरा लक्ष्य है, लेकिन पार्टी को नंबर वन कैसे बनाएंगे? पार्टी में कई तरह की बातें हैं और कई तरह के कारण हैं जिसके बदौलत जेडीयू नंबर वन नहीं बन सकती है। आइए हम उन्हीं कारणों पर आज चर्चा करेंगे। पहला कारण, जेडीयू के अंदर अंतर्कलह। नीतीश कुमार जेडीयू के मुखिया हैं, पार्टी का अध्यक्ष भले ही कोई हो लेकिन चलेगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। तो इस स्थिति में जब ललन सिंह अध्यक्ष बन गए हैं तो आरसीपी सिंह चुप नहीं बैठेंगे, यानी या तो आरसीपी सिंह या उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों व्यक्ति में से किसी एक का विभीषण बनना तय है। और जब विभीषण बनेंगे तो लंका दहन होगा। हम बात नीतीश कुमार जी की लंका की नहीं कर रहे हैं, हम उस लंका की संज्ञा दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं जिस लंका को हनुमान ने जलाया था। उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा या आरसीपी सिंह विभीषण बनेंगे जो जेडीयू के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्यों बनेंगे, इसके पीछे के कई कारण हैं। आरसीपी सिंह से अध्यक्ष का पद इतनी जल्दी छीन लिया गया और किसी से इतना जल्द कुछ छीन जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, भले ही ऊपर ऊपर बोल रहा हो। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा थी, अध्यक्ष बनेंगे और नहीं बन पाए, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा के मन में कहीं ना कहीं इस बात का दर्द होगा। दूसरा कारण, पार्टी को संगठित करना। पार्टी को संगठित करके रखने की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी पार्टियों में कई गुट बने होते हैं। अब इस पार्टी में भी एक आरसीपी गुट है, एक नीतीश कुमार का गुट है और कहीं ना कहीं एक और गुट बन गया ललन सिंह। अब इस गुट को एकजुट करके रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तीसरा कारण है महागठबंधन से लोहा लेना। महागठबंधन जैसे मजबूत पार्टी, यानी खासकर राजद जैसी मजबूत पार्टी के सामने टिकना जेडीयू के लिए मुश्किल है, क्योंकि राजद के पास लगभग 30% का वोट बैंक है। वहीं अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू के पास उस तरीके का वोट बैंक नहीं है। ललन सिंह के बनाए जाने से सवर्णों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई है, लेकिन भाजपा अपने पास से सवर्णों को कभी भी बाहर नहीं जाने देगी। कहीं ना कहीं इस मामले को देखा जाए तो ललन सिंह के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पार्टी को एकजुट रखना, किस तरीके से पार्टी को एकजुट रखा जाए ताकि बिहार में नंबर वन जेडीयू बनी रहे। अध्यक्ष तो बन गए हैं लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या उस मुश्किलों से किस प्रकार से पार पा लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।